तो यार अगर जो आप कोई भी रियलमी का फोन यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी रियलमी फोन को कैसे जो है मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो आईफोन के लुक में। वैसे हाँ, मेरा नाम संदीप है और आप सभी का स्वागत है टेक ड्रॉइड हिंदी में। तो वीडियो को देखते रहना यार अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी रियलमी के जो यूज़र हैं वो भी इस ट्रिक के बारे में जान पाएंगे और अपने फ़ोन को मॉडिफाई करके जो है आईफोन में कन्वर्ट कर पाएंगे। नीचे आपको कमेंट भी कर देनी है रियलमी फ़ोन कन्वर्ट इनटू आईफोन या फिर रियलमी ट्रिक कर देनी है कमेंट। तो उसके बाद आपको जो है एक ऐप चाहिए होगा, इसका नाम है iOS लॉन्चर। ये जो स्पेशल मॉडिफाइड एप्लीकेशन है इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे इसे आप ओपन करते हो तो ये देखिए वेलकम लोगो इस तरह से आएगा, iOS लॉन्चर, और यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग रहेंगे। तो आपको यहाँ पर इसे अलाउ कर देना है, फिर आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में आपको ये iOS जो था लॉन्चर इसे आपको सेट कर देना है। जैसे कि मैंने इसे सेट कर दिया, सेट कर देने के बाद एक काम और आपको करना पड़ेगा। फ़ोन में अगर जो आप अपने नॉर्मली कोई भी रियलमी C1 है या U1 है या फिर कोई भी है फ़ोन रियलमी 2 प्रो या रियलमी 3, तो आपको एक iOS का वॉलपेपर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको वो वॉलपेपर आपको सेट कर देनी है अपने होम स्क्रीन पे। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर सबसे पहले वॉलपेपर में सेट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको उससे पहले ये जो हमारा जो एप्लीकेशन था उसे हम लॉन्चर में सेट करेंगे। तो आपको सर्च करना पड़ेगा सेटिंग में डिफ़ॉल्ट ऐप मैनेजमेंट, उसके बाद ये देखिए होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन में मैंने iOS लॉन्चर मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर ये वेलकम इस तरह से आएगा, और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐप का आइकन है, शेप है, वो हमें कंप्लीट एप्पल का मिल रहा है लुक, आईफोन का लुक हमें मिल रहा है। और ये वॉलपेपर ये आईफोन एक्स का है तो मैंने इसे सेट कर दिया, इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यार अब देख सकते हो ये जो रियलमी का फ़ोन है ये कंप्लीट जो आईफोन की तरह लग रहा है, और यहाँ पर आपको और भी सेटिंग में कुछ मिल जाते हैं चेंजेस, जिससे आईकॉन को ऑप्टिमाइज़ करने का। अब यहाँ पर आपको पता होगा ये रियलमी का जो OS है, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑलरेडी फीचर मिलते हैं। जैसे कि अगर रिसेंट ऐप में देखोगे तो ये देखिए ये जो रिसेंट ऐप है कंप्लीट आईफोन की तरह लगता है, और अब हमारा होम स्क्रीन भी आईफोन की तरह बन चुका है। तो इसका फ़ायदा ये आपको रहेगा और आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। स्प्लिट स्क्रीन भी हमें यहाँ पर फीचर मिल जाता है, वो तो पहले से ही, ऐसा नहीं कि जब आप लॉन्चर इंस्टॉल करते हो तब आपको ये फीचर मिलता है। तो अब इस तरह से अगर आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। और यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग में बहुत सारे फीचर हैं, जैसे वेदर भी अगर आप चाहो विजेट रखना तो वो आप रख सकते हो, और यहाँ पर अपना आइकन भी डाल सकते हो, कस्टम आइकन पैक भी। तो ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेरा नाम संदीप है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।